हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं SHM के कुछ बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। SHM में हमने पहला जो लेक्चर था वो आप देखे होंगे, आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। और जो ये पार्ट टू है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, बेसिकली SHM है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो ये पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब आपको बेसिक अगर साइन स्क्वायर, साइन क्यू, इनके बारे में थ्योरी में बताया जाता है, बताया गया होगा कि साइन थीटा जो होता है वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, पीरियोडिक भी होता है। और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो पीरियोडिक होता है पर SHM नहीं होता है। साइन की पावर क्यू जो थीटा है वो भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है, SHM नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्राफ अलग आता है यार। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आता है यार, ऐसे आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है, दैट इज वाई वर्सेस थीटा। तो ये पीरियोडिक होता है, SHM नहीं होता है। तो ये तो पहले से हमें इन्फॉर्मेशन पता है, दैट्स वाई उसके बेसिस पे मैंने कर लिया, ऑप्शन सी सही है। अब एक बच्चा जिसको ये डेटा नहीं पता, जिसको वो नहीं, उसको कुछ नहीं आता है, इसके बारे में नहीं पता, नहीं सुना है, तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कि वाई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब हमें चेक करना है ये SHM है या नहीं है, तो हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो एक बार करते हैं, तो y डैश, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 2a साइन ओमेगा t, और फिर साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा t और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, मतलब 2a ओमेगा साइन ओमेगा t cos ओमेगा t। तो ये क्या है, आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, चेन रूल लगा दिया मैं, पूरे को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 2a साइन, और एक बार साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ये बना। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डबल डिफरेंशिएशन, इसको 2a को बाहर रखते हैं और इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ साइन ओमेगा टी, कॉस को डिफरेंशिएट करूँगा तो साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन आता प्रोडक्ट रूल में, तो कॉस का हो चुका, अब साइन का होगा, तो साइन ओमेगा टी और ए माइनस आएगा, माइनस साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्या कर रहा हूँ यार, तो यहाँ से साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और एक कॉस ओमेगा टी कॉपी कर दूंगा और ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हम सबको पता है कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन वाई डी वाई स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। अब इसको इस फॉर्मेट में लाएं, ये इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओमेगा स्क्वायर, और ये जो देख रहे हो ये जो फंक्शन है कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये वाला फंक्शन कभी नहीं आएगा यार, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपको इसमें अगर पीरियोडिक है पीरियड भी निकालना है, तो उस पीरियड निकाल सकता हूँ मैं कि डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, एक स्टेप और इसको आगे सॉल्व कर लो, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दो, और माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या कर सकते हो इतना।
अब यहाँ 2a ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 2 साइन स्क्वायर ये ओमेगा टी, 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी के इक्वल होता है। ये तो ये जो है वो कॉस 2 ओमेगा टी के इक्वल होता है ये। अब यहाँ से आप टाइम पीरियड बड़े आराम से निकाल सकते हो। जो टाइम पीरियड होता है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, ये इसका फाइनल इक्वेशन है। अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपन ओमेगा होता है, और यहाँ पे 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा है, तो 2 ने 2 को मतलब पाई अपन ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो ओमेगा बाई पाई। तो ये ओमेगा बाई पाई फ्रीक्वेंसी होगा, ओमेगा बाई पाई फ्रीक्वेंसी तो होगा, फ्रीक्वेंसी अब सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा पाई है। तो ये जो प्रोसेस था चेक करने का, जो मैं इससे पहले भी लेक्चर में बताया हूँ, वो एक डिफरेंट अप्रोच है और वो लेंदी होता है। आप बेसिक ऐसे क्वेश्चन को करने का जो आइडिया है, आप इनसे अच्छी तरह से इनको समझो। नेक्स्ट, ये सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम पीरियड ऑफ ए मास कैपिटल एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक स्प्रिंग है, वैसे भी मास नहीं बताया होता नेग्लिजिबल, तभी भी मैं लेता, तो नेग्लिजिबल मास है, टाइम पीरियड टी है। इफ अनदर मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, नाउ टाइम पीरियड, आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आसान कैटेगरी में रखता हूँ। अगर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से मास m अटैच है, तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई, ओहो स्प्रिंग का ना m अपन k होता है, टाइम पीरियड m अपन k अंडर, दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। अब ये देखो, अगर मैं इसमें एक m और ऐड कर देता हूँ, अनदर मास m इज एड, तो टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल टू 2 पाई 2 एम हो जाएगा, और एक के अंडर 2 एम को लिख सकता हूँ रूट टू लिख सकते हो ना भाई, 2 पाई एम बाई के अंडर रूट। ये तो ये क्या एक्चुअल टाइम पीरियड है रूट टू टी डैश, तो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो रूट टू टी, मतलब डी ऑप्शन सही। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आसान क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। एक लाइन कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू 0, वैसे भी नहीं बताया जाएगा, तभी भी हमारा जो सिलेबस है वो मीन पोजीशन ओरिजिन पे ही होता है। विथ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t है, स्पीड ऑफ द पेंडुलम x इज इक्वल टू a बाई 2, एम्पलीट्यूड के आधे पर कितनी स्पीड होगी। तो स्पीड पोजीशन डिपेंडेंट भी होती है और स्पीड टाइम डिपेंडेंट भी होता है। तो अभी कौन सा इक्वेशन यूज होगा, स्पीड पोजीशन डिपेंडेंट, ये होता है ऐसे चल, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल इधर जाएगा, एक्सट्रीम पर रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, फिर लौट के आएगा, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक होता रहता है। एक बार हो गया एस एच एम तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, वो एस एच एम होता है। तो हमेशा एस एच एम स्ट्रेट लाइन में होता, ऑलवेज रिमेंबर। तो अब देखो, स्पीड पोजीशन डिपेंडेंट होती है ओमेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली चीज़ होती है। अब ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, कब स्पीड निकालना है, जब एक्स की वैल्यू ए बाई टू हो, यहाँ पर कहीं आधे पर। तो स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ए अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ए स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, और इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो स्पीड टाइम पीरियड का टर्म में लिखना है, तो एक्चुअली स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी टाइम पीरियड, भाई ऐसा होता है यार, बहुत पहले से होता आ रहा है, अभी से नहीं। तो a बाई 2 और रूट 3, तो 2 ने 2 को, तो पाई a रूट 3 और डिवाइडेड बाई कैपिटल t, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, पाई a रूट 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल। अरे भाई रे भाई, कोई मैच नहीं किया गया, मैच क्यों नहीं करेगा, सी ऑप्शन सही है, एक बार की इसका चेक कर लेते हैं, चलो सही है।
नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो रोबोट की तरह। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जनरली बहुत सारे बुक में इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें बोला कि कोई सलूशन ही नहीं है, तो इसको आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये कहता है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा, तो हम सबको पता है कि जो एक्सलेशन ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ओमेगा एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ओमेगा स्क्वायर। एक्स एक्सलेशन जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, माइनस साइन बता रहा है, इट वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्स की जो पावर होती है हमेशा प्लस वन होती है, एक्स की दूसरा कोई पावर होगा तो एस एच एम नहीं होता है, सिंपलेस्ट ऑसिलेशन एस एच एम होता है, सबसे सीधा सबसे सबसे आसान जिसकी पावर वन हो वो एस एच एम होता है। तो निगेटिव साइन होना तो ज़रूरी है, मतलब ये कभी एस एच एम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है कि कभी एस एच एम रिप्रेजेंट करे। भाई इसमें जिधर एक्सलेशन है उधर डिस्प्लेसमेंट ही है, पार्टिकल उधर चलता चला जाएगा यार, वापस ही नहीं आएगा, ये भी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक्स की पावर टू आ गया ये भी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसके चांस बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब तरह के लिखा हुआ है। अब एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस सम कॉन्स्टेंट ओमेगा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स, ये जो एस एच एम है वो बता रहा है कि मीन पोजीशन से मैं स्टार्ट होता हूँ और मेरा मीन पोजीशन ओरिजिन है जो कि हमारा सिलेबस होता है, तो यहाँ से जाऊँगा एम्पलीट्यूड प्लस ए इधर और एम्पलीट्यूड माइनस ए इधर, इधर जाऊँगा फिर आऊँगा रुक नहीं पाऊँगा फिर वापस आ जाऊँगा ये। लेकिन अगर x में कुछ प्लस एड होता है तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है और एस एच एम तभी भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो इक्वेशन है, अगर x में प्लस एड हुआ है तो मीन पोजीशन जो पहले यहाँ ओरिजिन पे था 0,0 पे, वो मीन पोजीशन कहीं इधर प्लस ए शिफ्ट हो गया होगा, ये मीन पोजीशन बन गया होगा, मीन पोजीशन निगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो गया होगा प्लस ए। तो एस एच एम तो अभी भी है पर मीन पोजीशन चेंज हो गया, तो ए ऑप्शन एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको 100 और 1000 दिया हुआ है, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वो एक ही बात को घुमा के कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या होता है पोजिशन डिपेंडेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सलेशन मैक्सिमम होता है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, ये मैक्सिमम एक्सलेशन है। अब ओमेगा वन रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सलेशन निकाल लो, अब ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू दिया है 100 और 1000, तो एक्सलेशन मैक्सिमम पहले केस में डिवाइडेड बाय एक्सलेशन मैक्सिमम दूसरे केस में, और माइनस साइन इग्नोर कर दो, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, ओमेगा वन अपन ओमेगा टू का स्क्वायर, ये पहले केस में ये 100 है दूसरे केस में 1000 है और इसको मैंने स्क्वायर किया तो 1/10 इसका स्क्वायर मतलब 1:10 की पावर 2, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, डी ऑप्शन सही है, दिस इज द ऑप्शन डी। चलो पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो पार्ट, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी है, मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, पहला जो आसान तरीका है वो फेजर है, कह क्या रहा है देखो एक एस एच एम है ये मीन पोजीशन ओरिजिन पे है, इधर से पार्टिकल इधर जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द टी दिया हुआ, टाइम टेकन पार्टिकल टू ट्रेवल एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ से देखो, टाइम टेकन पार्टिकल एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब पार्टिकल देखो यहां से
फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन से हाफ ऑफ यहाँ तक आने में ये t इक्वल टू जीरो था, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था इक्विलिब्रियम पोजिशन, और यहाँ एम्पलीट्यूड a बाई टू तक आने में जो टाइम t लगेगा उसको हमें निकालना है, समझ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। अब करोगे कैसे वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। पहला जो है वो फेजर डायग्राम है। फेजर में क्या होता है, एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है t इक्वल टू जीरो पर। इस पाथ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसका जो प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ है तो x और y एक्स या किसी भी y एक्सिस पे या x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है वो SHM करता है, परपेंडिकुलर SHM करता है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो ये जो रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। अभी पार्टिकल मीन पोजीशन से a बाई टू पर है तो यहाँ से फेजर ऐसा एंगल ट्रेस करेगा, ये एंगल फाई ट्रेवल करेगा और ये यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये प्रोजेक्शन y एक्सिस पे। तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा है a बाई टू, क्योंकि रेडियस एम्पलीट्यूड होता। अगर ये थीटा है तो ये भी फाई है, तो ये भी फाई है, तो साइन फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो इस ट्रायंगल में आ जाओ, रेडियस एम्पलीट्यूड होता है तो साइन पी और डिवाइडेड बाई ए बाई टू और ए पी ए बाई टू और एच ए, तो ए आ जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू मतलब साइन थर्टी पाई बाई सिक्स, तो जो फेज का डिफरेंस आ जाएगा वो पाई बाई सिक्स आ जाएगा। जिसको फेजर नहीं आता है वो पढ़ेगा तब, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इस आर्क पे जाने में जो टाइम लगा वो पाई, जो टाइम लगा वो तो हमें चाहिए, वही तो चाहिए। तो यहाँ पर आप एक रिलेशन याद रखो SHM में, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस फेजर में काफ़ी काम आता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टू पाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिफरेंस, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो फेज डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में फेज डिफरेंस पाई बाई सिक्स आ गया, और टू पाई टाइम कैपिटल टी है और टाइम डिफरेंस कितना आया वो निकाल लेते हैं पाई ने पाई को, तो टाइम डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी बाई ट्वेल्व, तो टी बाई ट्वेल्व सेकेंड लगा होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। ये मेथड अगर समझ में नहीं आएगा तो अब आपको फेजर पढ़ना पड़ेगा। चलो दूसरा तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी कर सकते हो सेकेंड मेथड, कि अगर या पार्टिकल ए से बी तक गया तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पोजिशन डिपेंडेंट। तो x की वैल्यू a बाई टू हो गया और a साइन ओमेगा की वैल्यू टू पाई टाइम पीरियड हो गया और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी, तो a ने a को, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन टू पाई स्मॉल टी कैपिटल टी इज इक्वल टू साइन ये वन बाई टू, हाँ सही, ये वन बाई टू इधर बचा वन बाई टू और साइन वन बाई टू मतलब पाई बाई सिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू पाई स्मॉल टी कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो भैया पाई ने पाई को तो टाइम पीरियड टी इज बाई ट्वेल्व, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको ये वाला मेथड इस क्वेश्चन में बेसिकली आसान लग रहा होगा, पर मैं आपको बताऊं फेजर खतरनाक चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है, तो मेरे हिसाब से इसके साथ रहो। चलो एक मास है, 2 kg का मास है, मैंने एक स्प्रिंग इस तरह से लिया और उस पर रख दिया। अब क्या होगा, स्लो मोशन में विजुलाइज करो, स्लो मोशन में जैसे ही रखोगे स्प्रिंग स्लोली 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 कंप्रेस होगी, एक ऐसा समय आ जाएगा कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, उससे नीचे नहीं जा पाएगी यार। तो अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन मास डी अटैच फ्रॉम द पैन, तो जैसे ही रखोगे स्प्रिंग, मान लो यहाँ रखे थे और फाइनल कंप्रेशन का सिचुएशन मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, अब इससे ज़्यादा स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकती, कैन नॉट कंप्रेस, तो यहाँ से चला था और ये, तो ये जो x आया वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, दैट इज एम्पलीट्यूड,
यहाँ से आप चले थे, यहाँ से आप एम्पलीट्यूड आ गया। अब ये कहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड सो दैट मास डी अटैच, मतलब मास को हमें डी अटैच होना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। पहले मैं इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करता हूँ। जब उस पोजीशन के बारे में सोचो जब ये यहाँ पर है, उस वक्त कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में सोचना आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ जब पार्टिकल यहाँ है तो इस पर स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लगा होगा, स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गई, और ब्लॉक का एम जी नीचे लग रहा होगा। तो अभी मैं इक्विलिब्रियम मान के चल रहा हूँ। अब ये ब्लॉक यहाँ से डी अटैच तब होगा जब के एक्स ग्रेटर देन होगा एम जी से, तभी तो ऊपर उछलेगा यार। अगर इस पॉइंट पे mg और kx आपस में इक्वल है और वैसे ही रहे तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं यार। ऊपर जाने के लिए kx को mg से अधिक होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करोगे तो mg kx के इक्वल आ जाएगा और x की वैल्यू इज इक्वल टू mg अपॉन k। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो कितना है मेरे भाई, 2 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो और के की वैल्यू दिया होगा 200 दिया है, तो के की वैल्यू 200, 2 ने 2 को, 10 ने 10 को, मतलब 0.1 meter, मतलब 10 centimeter। तो इक्विलिब्रियम के केस में आपको ब्लॉक एक्स इक्वल टू 10 centimeter आ गया। अब जो के एक्स है डी अटैच होने का कंडीशन देखो, के एक्स अगर ग्रेटर होगा एम जी से तभी डी अटैच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी एक्स इज इक्वल टू 10 पर तो के एक्स तो एम जी के इक्वल है यार, एक्स इज इक्वल टू 10 पे के एक्स एम जी के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 जिससे के एक्स अधिक हो और ब्लॉक ऊपर उछले, डी अटैच हो, मतलब ए ऑप्शन सही है। कहता पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और ये टाइम डिपेंडेंट है, होती भी है पर ऑसिलेट करती है, SSM नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करती है, टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती है, पर वो ऑसिलेशन SSM नहीं होता है, पीरियोडिक होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, अब आपको पता होगा बेसिक कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस मैक्सिमम होगा, कॉस मैक्सिमम प्लस वन, तो ये प्लस के नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप आ जाओ SSM में, ये मीन पोजिशन होता है, मीन पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और इसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब जो भी एनर्जी है वो के नॉट यही है। अब मीन पोजीशन पे अगर देखोगे मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल के इक्वल होगा, दैट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो तो के नॉट आ जाएगी जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, या किसी भी पॉइंट पर देख लो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वो मैक्सिमम के नॉट के इक्वल होगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो के नॉट है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के नॉट है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो सी ऑप्शन सही है। फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? आपको पता होगा कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट कर दो dx ओवर dt, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा कि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना लिख सकता हूँ। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो एक्सलेशन मिलेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये अब इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें और इसमें फेज का डिफरेंस निकालना, वैसे भी यार देखने से लग रहा पाई बाई टू,
भाई एक साइन का एक कॉस का है, तो इनमें फेज डिफरेंस पाई बाई 2.5 ही होगा, पाई बाई 2.5। या नहीं तो और एक स्टेप सॉल्व कर लो, तो ये ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस देखना कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 है, तो क्या होगा कॉस थीटा बोलो, पाई बाई 2 है तो साइन थीटा बनेगा, और पाई बाई 2 है तो कॉस में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो सेकंड में जाओगे, और सेकंड में साइन निगेटिव होता है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब आराम से फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस, साइन और कॉस का एंगल का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई 2 मतलब 0.5। डी ऑप्शन सही है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अब मास m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, फ्लोट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इट इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम अंडरगो द टाइम पीरियड t। अब ब्लॉक मास m है, एरिया a है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, समझना इस क्वेश्चन को। अब अगर एक फ्लूइड है जो ऑसिलेशन है वो इतना बेहतर है, जो SHM है, जो ऑसिलेशन है वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है यार, वो फ्लूइड में होगा, इलेक्ट्रिकल में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलेगा, मैकेनिक्स में चलेगा, सिलेंडर रॉड पिस्टन फ्लूइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर एक फ्लूइड का ऑसिलेशन इसको बोलता हूँ मैं, एक सिलेंडर है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो फ्लूइड में ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम में है, हम सबको पता है कि ऑसिलेशन कौन करता है, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, अनस्टेबल वाला कभी ऑसिलेट नहीं करता है, न्यूट्रल वाला कभी ऑसिलेट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम तीन टाइप के पढ़ के आए थे, तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पार्टिकल होता है वही ऑसिलेट करता है, जिसको डिस्प्लेस करोगे तो वहीं आप वापस आ जाएगा। अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इस पे लिक्विड का फोर्स अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा और इसका वेट एम जी नीचे लग रहा होगा, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना मैं। अगर ये लिक्विड के अंदर इसकी लेंथ है एल है, तो जो अपथ्रस्ट है वो एम जी को बैलेंस किया होगा फर्स्ट केस इक्विलिब्रियम में, अभी कोई ऑसिलेशन नहीं होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू आप जानते होंगे, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम वी रो जी, ये होता है वी रो जी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इनसाइड वॉल्यूम है, इनसाइड वॉल्यूम को लिखने के लिए लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन रो जी मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नहीं फर्स्ट बोलो, ये फर्स्ट बोल दो, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, अभी कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। अब ऑसिलेशन कब होगा, जब हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। मान लो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे किधर भी दे दूँ इस ब्लॉक को, ये फ्लूइड में है, अगर मैं नीचे दे दिया तो वायंसी अब थ्रस्ट अधिक हो जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर दे दिया तो एम जी नीचे आ जाएगी और नीचे खींचेगा, फिर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नीचे ही दे दूँ, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है डिस्प्लेसमेंट देना। तो ये यहाँ से मान लो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगी वो एल प्लस एक्स आ जाएगी, एक्स मैं नीचे पुश कर दिया हूँ, इसको दबा दिया हूँ नीचे एक्स, उसके बाद छोड़ दूंगा तो ऑसिलेशन आ जाएगा। अब नया इक्वेशन लिखो, अब जो है अब थ्रस्ट बदल गया होगा और एम जी वही रहेगी, अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गया होगा लिक्विड का फोर्स एम जी से, मतलब अब ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है और अब थ्रस्ट माइनस एम जी, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। कभी भी एसएसएम निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं यार, तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू लिखो, अब थ्रस्ट एल एक्स प्लस ए एरिया क्रॉस सेक्शन रो जी माइनस एम जी, दैट इज द एम ए। देखो हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना यार, टाइम पीरियड तभी निकाल पाते हैं जब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा एल
ए रो जी प्लस एक्स ए रो जी माइनस एन जी। तो पहले कंडीशन यूज कर लूँ, ये जो अच्छा वाला कंडीशन दिया था उसको मैं यूज कर लूँ, तो एम जी ने इसको ख़त्म कर दिया, तो जो एक्सलेशन दिखने लगेगा वो ए रो जी अपन एम, एक कांस्टेंट आया एक्स, और डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन के अपोजिट है, आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया और ब्लॉक का एक्सलेशन ऊपर है तो माइनस साइन, तो ये और ये पूरा फैक्टर एक्स की पावर वन है, सम कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन ऐसे से हम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बीच में बड़ा सा दिख रहा है ए रो जी एम वो कांस्टेंट है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, एक्सलेशन SHM में चले जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इनका और इनका कंपैरिजन हो जाता है ये, तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए रो जी एम, है ना, अच्छी बात। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm ए रो जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो कि एक कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड से ऑसिलेस करेगा और कॉन्स्टेंट होगा ही होगा, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वेरिएबल टाइम पीरियड होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही नहीं। तो ये अब यहाँ से हमें टाइम पीरियड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे रिलेटेड है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए अंडर रूट, ये वाला मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए अंडर रूट, दैट इज सी ऑप्शन सही है। चलो सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, अब देखो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर्कुलर मोशन और SHM जब हम पढ़ते हैं, एक्चुअली हम सर्कल का हेल्प लेते हैं SHM को समझने के लिए। अगर एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल पे चल रहा है, समझना, कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल पे दौड़ रहा है, तो उस पार्टिकल का मोशन तो सिम तो वो तो सर्कुलर मोशन है यार, वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, UCM है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन अगर इस पार्टिकल से मैं एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स या वाई एक्सिस पे कहीं भी रहे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अभी पार्टिकल यहाँ तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर यहाँ आया पी पॉइंट पे, पार्टिकल आगे बढ़ा तो परपेंडिकुलर यहाँ आया, पार्टिकल आगे बढ़ा तो परपेंडिकुलर यहाँ आया, इधर आया 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 तो परपेंडिकुलर यहाँ, इधर आया तो परपेंडिकुलर यहाँ, इधर आया तो परपेंडिकुलर, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर जब यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया था तो परपेंडिकुलर ऊपर गया वाई एक्सिस पे, फिर नीचे आया जब पार्टिकल यहाँ आया, फिर इधर आया तो परपेंडिकुलर इधर आया, फिर तो जो परपेंडिकुलर है प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो जो सर्कुलर मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है, एक पीरियोडिक मोशन है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हमेशा याद रखना हर एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, और हर हार्मोन हर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक होगा ही होगा। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, हैज मैक्सिमम स्पीड 31 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब इसको करने के लिए आपको एक पार्टिकल यहाँ से चला, ये मीन पोजीशन है, इधर जाएगा इधर आएगा रुक नहीं पाएगा, आएगा फिर जाएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे करता रहेगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5 है, 5 सेंटीमीटर है, स्पीड जो मैक्सिमम है मेरे प्यारे बच्चों 314 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकाला जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है स्पीड पोजीशन डिपेंडेंट लिख दो, स्पीड जो पोजीशन डिपेंडेंट होता है ओमेगा एम्पलीट्यूड माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है ये, जैसे जैसे पोजीशन बदलती है वैसे वैसे स्पीड बदलता है। अब स्पीड मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो,
x इक्वल टू जीरो कहाँ होती है, मेन पोजीशन पे मेरे प्यारे बच्चों। तो ओमेगा ए दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, फ्रीक्वेंसी निकालना, ओमेगा को 2πf लिख सकता हूँ ए। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाई 2π एम्पलीट्यूड ए, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू क्या क्या भैया, हाँ वैल्यू डालो तो 31.4 सेंटीमीटर में है, ध्यान देना, तो 2π 3.14 और एम्पलीट्यूड 5। तो ये भी सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर में है, तो 5 × 10 और ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये इससे कट गया, 1 हर्ट्स आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करो रोबोट की तरह तभी जीतोगे। टू स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, सीरीज में ज्वाइन कर दिए, ये बच्चों वाला जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए क्वेश्चन है। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब डायरेक्ट फार्मूला बेस है, सीरीज में जो होता है वो इधर स्प्रिंग वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होती है R1 + R2, तो स्प्रिंग सीरीज में जो होती है वो होती है के इफेक्टिव के इक्विवेलेंट K1 + K2। जब इसको सॉल्व करोगे तो के इफेक्टिव आ जाएगा K1 K2 और K1 + K2, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड वी एंड एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम सबको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है, एक्सलेशन भी वेरिएबल होता है, एक्सलेशन हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ये सारी बातें थ्योरेटिकल है। अब मीन पोजीशन के बारे में सोचो, पार्टिकल मीन पोजीशन एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है और वो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सलेशन मिनिमम होता है जो कि जीरो होता है और ओमेगा ए होती है ना। अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो एक्सलेशन का इक्वेशन लिख दो, पोजीशन डिपेंडेंट ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। मीन पोजीशन के लिए एक्सलेशन मिनिमम आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है, और वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और इज इक्वल टू ए ओमेगा। जहाँ पर एक्सलेशन मैक्सिमम होगा वहाँ एक्सट्रीम एक्सलेशन मैक्सिमम कहाँ होगा भैया, मी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पर एक्सलेशन मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि होती है जीरो। अरे भाई रुकेगा नहीं तो वापस कैसे आएगा, वापस भी तो आना है, मीन पोजीशन से जाना है वापस भी तो आना है, अगर यहाँ रुका ही नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकेगा ही नहीं तो वापस कैसे आएगा यार, वो चलता चला जाएगा, तो रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सलेशन मैक्सिमम। अगर मान लो एक्सलेशन भी जीरो हो गया तो वो तो परमानेंट रुक जाएगा वहीं पे, समझ रहे ना। तो वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक्सलेशन मैक्सिमम होता है, तो व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सलेशन इज जीरो, डी ऑप्शन सही है, थ्योरेटिकल है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ ऑफ वे इट्स एंड पॉइंट, कोई बात नहीं एंड पॉइंट से हो या इधर से उधर से हो बात बराबर हो, आधे पर है ना ये बात पता है। यहाँ से पार्टिकल जाएगा वापस आएगा, जाए रुक नहीं पाएगा, यहाँ जाके रुकेगा फिर वापस आएगा। अब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ए बाई टू पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी के टर्म में, ई टोटल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मीन पोजीशन से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ आल्सो टाइम डिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, ऑसिलेट करती है, बट SSM नहीं होता है। तो हाफ के एम के को ऐसे ही रहने तो अच्छा ही लग रहा है, के एक्स की वैल्यू डाल दो ए स्क्वायर बाई फोर, तो 1/4 हाफ के एक्स स्क्वायर
हाँ क्या कर रहा हूँ, हाफ के ए स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ ए। अब टोटल एनर्जी के टर्म में लिखो, टोटल एनर्जी जो होती है वो ऑसिलेट नहीं करती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज ई यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में कभी ऑसिलेट नहीं करती है। तो इसको यहाँ पर ले जाके डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ई बाई फोर ई के टर्म में, दैट इज सी ऑप्शन सही है। ए पार्टिकल एम ऑसिलेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स वन एंड एक्स टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लॉटेड। अब देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ सबको पढ़ाया जाता है इस दुनिया में, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ ना पढ़ा हो। हम सबको पता है कि ये पार्ट एक्सट्रीम पोजिशन होता है, ये मीन पोजिशन है, ये कहता है कि एक्स वन है, ये कहता है कि एक्स टू है। यहाँ से पार्टिकल जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, इधर चला जाएगा, फिर आएगा, एंड सो ऑन। तो जब कभी भी पोजीशन डिपेंडेंट ग्राफ बनाया जाता है, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द एनर्जी। तो हम सबको पता है कि जो मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो एक पैराबोलिक होता है और वो ऐसे ग्राफ आता है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैं मीन पोजीशन से ले रहा हूँ, मीन पोजीशन पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो ले रहा हूँ, और यहाँ पर तो उसकी जो ग्राफ आती है वो कुछ ऐसा आता है, और टोटल एनर्जी ऐसे हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन सही है, आसान ग्राफिकल क्वेश्चन था। टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज टी, एक स्प्रिंग से लटका दिया मैं एक ब्लॉक को, ये एक स्प्रिंग है, इससे मैं एम ब्लॉक को लटका दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, टाइम पीरियड टी है, स्प्रिंग कट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, इसके टुकड़े किए मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये तो मैंने इसके टुकड़े कर डाले, कितने टुकड़े किए, फोर। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर अलग अलग पीसेज होते हैं स्प्रिंग के, डॉट 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 एन पीस होता है, तो नया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो के डैश बनता है वो एन के बनता है, रेशियो से, प्रोपोर्शनलिटी से, नेड न्यू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एन पीस किया मैं, एक स्प्रिंग था उसके एन पीस किए, तो हर एक का पीस हो वो के डैस एन के होगा। तो यहाँ पर आपने कितने पीस किए, फोर किए, तो फोर के, दिस इज द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, हर एक स्प्रिंग इतना होगा। देन न्यू टाइम पीरियड, अब अगर एक छोटा स्प्रिंग से मैं ब्लॉक को लटकाऊं तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड टू पाई एम अपान के था अंडर रूट, अब यहाँ पर एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड टू पाई एम अपान के डैश अंडर रूट ये, और के डैश की जो वैल्यू है टू पाई एम अपान वो फोर के इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि वन बाई टू टाइम पीरियड दैट इज टी डैश इज इक्वल टू टी बाई टू, दैट इज सी ऑप्शन सही है ना। बेहतर तरीके से सॉल्व करो क्वेश्चन, कहता है इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, हम पढ़े थे ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तीन तरह का होता है, एक होता है फ्री ऑसिलेशन जो SHM होता है, स्पेशल केस में जाके SHM होता है, एक होता है फोर्स ऑसिलेशन, एक होता है डैम्प ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन कभी SHM नहीं होते हैं। तो फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स वाइब्रेशन जब होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें एक फोर्स वाइब्रेशन में एक स्पेशल केस आता है जिसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। जैसे एक बच्चा अगर झूला झूल रहा है, यहाँ पे समझना, एक बच्चा यहाँ झूले का मजा ले रहा है, तो अगर ये एक बार इसको मैं वैक्यूम में झूला दूँ तो वो होता है फ्री ऑसिलेशन। अब एक बार वो कभी फ्री ऑसिलेशन एक बार हो गया तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा यार, आइडियल है। फोर्स्ड ऑसिलेशन एक बार नहीं, ये डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, ये बच्चा एयर में झूला झूल रहा है तो वो डैम्प है, कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगा।
फोर्स ऑसिलेशन होता है, जितनी एनर्जी बर्बाद हो रही है उतना बाहर से इसके पेरेंट्स धक्का दे रहे हैं, झूला इसको झुला रहे हैं ऐसे। तो दो ऑसिलेशन, एक पेरेंट्स का ऑसिलेशन और एक बच्चे का ऑसिलेशन। तो अभी जो क्वेश्चन है वो फोर्स ऑसिलेशन पे। एक बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि ये इतना इनकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे तो रिजोनेंस हो जाता है, एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब आप थ्योरी में पढ़े होंगे, बट मैं थोड़ा सा बताना, मेरी जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। फोर्स ऑसिलेशन होगा तो डैम्पिंग कैसा होगा? अब सोचो कि ये बच्चा हवा में झूला झूल रहा है तो डैम्पिंग फोर्स कम होगा। अगर इसको मैं पानी में झूला झूलाऊँ, वाटर में या हनी में, तो डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। और आप एक सुंदर सा ग्राफ ये भी पढ़े होंगे कि एम्पलीट्यूड वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का ओमेगा, ऐसे कुछ ग्राफ पढ़े होंगे। ये देखो, इसका एम्पलीट्यूड जो लोएस्ट वाला है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है, हाई डैम्पिंग फोर्स है, हाई डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा भाई। और ये सार्फ है पीक, इसमें लो डैम्पिंग फोर्स है, रजिस्टिव फोर्स अपोज करने वाला कम है। तो जब डैम्पिंग फोर्स कम होता है तो ये ग्राफ पीक ऐसे कर्व आता है, तो डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होता है तभी सार्फ कर्व आता है। ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आसान सवाल है, अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक बार हो गया तो होता रहेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, वापस चला जाएगा, यहाँ रुकेगा, वापस आएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्पीड मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो होती है, यहाँ जाके रुकता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? तो वो प्लस ए एम्पलीट्यूड हो गया, और इधर देखोगे तो माइनस ए एम्पलीट्यूड हो गया। मतलब प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मैक्सिमम कट पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, मतलब सी ऑप्शन सही है। When oscillator complete 100 oscillation, its amplitude reduce 1/3 of initial value. अब देखो, अभी नया टाइप का ऑसिलेटर, अभी तक क्या पढ़ते थे SHM में क्या होता था, एक बार SHM हो गया तो amplitude constant रहेगा, infinite time तक वैसे चलता चला जाएगा, free oscillation। लेकिन अगर वही oscillation air में हो, अगर एक block है मेरे पास, spring से attach करके एयर में ऑसिलेट करा दूंगा, तो कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा यार, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं। इसको बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। इसमें एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होता है, अगर वो एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होता है तो उसके एक फार्मूला होता है, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी, ई की पावर माइनस बी टी, ये एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होता है। तो वेयर बी इज़ द डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जब टाइम ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था, या यूँ कह लो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि जब एक बार आप इसको छोड़ोगे उस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसके बाद धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। और ए क्या है, जब टाइम टी है उस वक्त एम्पलीट्यूड ए है। तो ये बात समझ में आ गया, वेरिएबल एम्पलीट्यूड का प्रॉब्लम है, मतलब डैम्पिंग का क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन को दो बार लगाना है, पहला केस में कि 100 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड 1/3 हुआ, तो एम्पलीट्यूड जब 200 ऑसिलेशन होगा तब एम्पलीट्यूड कितना होगा, ऑब्वियसली अब पहले से कम ही होगा, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये ज़्यादा हो गया 2 times, तो इसके चांस बनते हैं इन तीनों के। चलो करते हैं हम लोग, पहले केस में लगाऊं तो एम्पलीट्यूड 100, पहले केस में 100 ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, समझना। एक बार यहाँ से पार्टिकल गया, मीन पोजीशन से गया,
वापस आया, इधर गया वापस आया, तो जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड टी होता है। तो 100 ऑसिलेशन हुआ तो पूरा टाइम कितना लग गया, 100 टी किया गया, 100 टी, 200 ऑसिलेशन में टाइम कितना लग गया टी डैश, 200 टी। तो अब एम्पलीट्यूड पहले केस के लिए एम्पलीट्यूड ए जो है वो ए नॉट बाई 3 हो गया पहले केस में, और ई की पावर माइनस, एक बार मैं आपको यहाँ अच्छे से लगा देता हूँ, ए नॉट बाई 3 और ई की पावर माइनस 100 बी और टाइम पीरियड टी, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले कंडीशन का इक्वेशन है। दूसरे कंडीशन के लिए निकालो, एम्पलीट्यूड ए डैश हो गया और ई माइनस 200 बी टाइम पीरियड टी, दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और क्या निकालना है, ए डैश कैसे किया जाए बोलो। अरे भाई यहाँ एक ए नॉट भी था, तो ए नॉट ने ए नॉट को ख़त्म कर दिया, तो ये इक्वेशन जो बनेगा 1/3 ई की पावर माइनस 100 बी टी बनेगा। तो इसको सॉल्व करना ए डैश, एक काम करो इसको उठा के यहाँ रखो, ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे कैसे इसी को किसी को उठा लोगे, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करोगे तो 2, इसको स्क्वायर करोगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 200 बी टी है, तो इसको स्क्वायर कर दो तो मेरी बात बन जाएगी। तो 1/9 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 200 बी टी आ जाएगा, कैपिटल टी है ये, कैपिटल टी आएगा ये। अब 1/9 इसको स्क्वायर करने के बाद इसकी जो वैल्यू है ई की पावर माइनस 200 बी टी वो ये है, तो ये डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/9, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। एम्पलीट्यूड कम होता है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में घटता चला जाता है, ग्राफ देखोगे तो डैम्प का ऐसे घटता चला जाएगा। चलो, ए मास सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग, अगर मैं इनको अलग अलग स्प्रिंग से ऑसिलेट कराता हूँ तो टाइम पीरियड T1 T2 है, अब मैं दोनों को कंबाइंड करके ऑसिलेट करा रहा हूँ तो टाइम पीरियड T0 है, तो T1 T2 T0 में रिलेशन निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और ब्लॉक का मास M है, टाइम पीरियड T1 है, तो मैं जब ऑसिलेट कराया तो टाइम पीरियड 2π, टाइम पीरियड को स्मॉल T1 से रिप्रेजेंट करो, तो स्मॉल T1 इज इक्वल टू 2π m/k1 पहले केस में है। अब तुम यहाँ से देख रहे हो उसी तरह से मैं दूसरे केस में दूसरी स्प्रिंग लिया जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, इसका टाइम पीरियड m है और t2 है ये, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में, भाई ये आपको तो देखना पड़ेगा, इलोंगेशन सेम है, सेम इलोंगेशन है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो इनका, इनको जब दोनों को जोड़ोगे तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो बनेगा वो के बनेगा, और वो K1 प्लस K2 होता है पैरेलल में। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से मैं K1 और K2 ला के रखूँ और इधर रख दो तो मेरी बात बन जाएगी। तो यहाँ से जो K1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, K1 की वैल्यू आ जाएगी 4π² m डिवाइडेड बाई T1² ये पहले स्प्रिंग से। अब दूसरे स्प्रिंग से इसका टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू 2π m/k2, तो यहाँ से जो K2 मुझे दिखेगा वो 4π m और T2² ये रहा 4π, अरे स्क्वायर कहाँ छूट जा रहे हो, तो T2² यहाँ पे ये मैंने K1 K2 निकाल लिया अलग अलग स्प्रिंग का। अब इन इसके कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालूं तब उसमें के इफेक्टिव आ जाएगा जिसका टाइम पीरियड T0 दिया हुआ, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए लगाऊं मैं तो टाइम पीरियड T0 इज इक्वल टू 2π मास m स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ये वाला के इफेक्टिव अंडर रूट,
तो यहाँ से जो के की वैल्यू बनेगी वो 4 पाई स्क्वायर एम और टी नॉट स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आ गया बात, एक स्प्रिंग के लिए लगाया, दूसरे के लिए लगाया जैसा क्वेश्चन कह रहा था अलग अलग, फिर कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड लगाया, और ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए ये मेरे प्यारे बच्चों होता है, ऐसा होता है, सदियों से होता आ रहा है। तो यहाँ अब डाल दो, मतलब इनकी वैल्यू डाल दो, के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम टी नॉट स्क्वायर, और के वन किधर गया भाई, के वन 4 पाई स्क्वायर एम टी वन स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम टी टू स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा टी नॉट माइनस टू टी वन माइनस टू टी टू माइनस टू, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। हो कोई नहीं नहीं नहीं, मतलब बी ऑप्शन सही हम लोगों का, दिस इज द बी। कहता है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक डिपेंड अपॉन, टोटल एनर्जी अगर SHM हो रहा है तो SHM में टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है, और टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो होता है हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और के इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए पर डिपेंड कर रहा है, या के और ए पर डिपेंड कर रहा है, मतलब बी ऑप्शन सही है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगा, के कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा तो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगा। कहता है टू मास है अलग अलग, एम ए और एम बी है, हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग है, एल ए और एल बी इनकी लेंथ है, दे आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उनका जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है दिया हुआ है, तो लेंथ का रिलेशन निकालना है। अब चलो, अब बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मैं एक मास एम अटैच कर दिया, मेरी मर्जी, मैं ब्लॉक सर्कुलर कैसे भी रहें, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई एल बाई जी होता है। अब टाइम पीरियड जो है और फ्रीक्वेंसी अगर लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2πg/L अंडर रूट, ऐसा होता है, बहुत पहले से होता आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी लेंथ से कैसे प्रोपोर्शनल है, बोलो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अंडर रूट। अब इसी को पहले केस के लिए फ्रीक्वेंसी ए में बराबर है 2 times फ्रीक्वेंसी बी का, तो ए का फ्रीक्वेंसी डालो यहाँ, तो 1/2πg और लेंथ, ए का लेंथ अंडर रूट और 2 और 1/2πऔर जी और लेंथ बी का लेंथ अंडर रूट। अब इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर कर दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जी भी ख़त्म हो जाएगा, रूट भी ख़त्म हो जाएगा, तो 1/LA इज इक्वल टू 4 times LB, मतलब एल बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4LA के इक्वल आ जाएगी, या LA इज इक्वल टू 1/4B, मतलब ए ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो, एक कहता है बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैंगिंग लेंथ एल डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, समझ में आना चाहिए, आई होप कि इस क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे। सिंपल पेंडुलम को मैं इफ रिलीज वर्टिकल पोजीशन, तो अब अगर सिंपल पेंडुलम है, ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है, बॉब का मास M है, अगर मैं इसको थीटा डिग्री से रिलीज करता हूँ, यहाँ से ये ऐसे आर्क पे ऑसिलेट कर रहा है, अब यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, बहुत आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हो। यहाँ ये अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ L है तो ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, बोलो, L cos थीटा, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो ये पूरा एल है और ऊपर से एल कॉस थीटा है, तो ये छोटू लेंथ कितना हो गया, एल माइनस एल कॉस थीटा, मतलब एल
वन माइनस कॉस थीटा। अब एक काम करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे रिलीज किए तो काइनेटिक गया जीरो, पोटेंशियल गया एम जी, और यहां से ये रिफरेंस लाइन है मेरा एल, एल वन माइनस कॉस थीटा लेंथ हाइट, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो चला गया और काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, तो वेलोसिटी भी की वैल्यू आ जाएगी एम ने एम को, जीरो ने जीरो को, तो टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा अंडर, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। प्लस माइनस का मतलब होता है कि इधर से भी होगा उधर से भी, दो दो डायरेक्शन होगी। जी एल वन माइनस कॉस थीटा, अरे भाई कोई है जी एल वन माइनस कॉस थीटा, दैट इज ए ऑप्शन सही है। तो दिस इज द लेक्चर ऑफ एस एच एम पार्ट टू। एक लेक्चर और इसमें बचा हुआ है, वो आप देखना अच्छे से और कोशिश करना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, मैं कैसे कर रहा हूँ। रोबोट की तरह फास्ट कैलकुलेशन करो, बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। थैंक यू।